नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। एक तरफ है साउथ के सुपरस्टार प्रभास, तो दूसरी तरफ है बॉलीवुड की जान शाहरुख खान। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक तरफ है डंकी तो दूसरी तरफ है सलार। अब इसमें से कौन सा बनेगा विजेता बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का? जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर कमल हसन का कहना है कि क्यों दोनों बड़े सुपरस्टार एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं, क्यों शाहरुख खान की फिल्म के सामने प्रभास अपनी मूवी को रिलीज कर रहा है जबकि राजकुमार हिरानी बना रहे हैं डंकी फिल्म को, जो कि साधारण डायरेक्टर नहीं है, जो कि मास एक्शन मूवी बनाने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन उनकी जो क्लास मूवी होती है वो ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर होती है। वो ऐसी मूवी बनाते हैं जो कि दिल को झिंझोड़ देती है, वो ऐसी मूवी बनाते हैं जो कि आपको रोने पर मजबूर कर लेती है, वो ऐसी फिल्म बनाते हैं जो कि एजुकेशन लेवल को नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट करने के लिए मजबूर कर देती है। मैं बात करने वाला हूं राजकुमार हिरानी की मूवीज के बारे में। जी हां दोस्तों, 3 इडियट्स को देख लो, पीके को देख लो और अपने संजू बाबा के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री संजू मूवी को देख लो। सारी की सारी मूवीज 1000 करोड़ के ही लगभग पहुंची है और ऐसे में अब शाहरुख खान जब पठान दे चुके हैं, जब जवान दे चुके हैं, जब विक्रम राठौर बन चुका है बहुत बड़ा मॉन्स्टर, तो उसके सामने क्या जरूरत पड़ चुकी है सलार को रिलीज करने की? ये सवाल मेरा नहीं है, ये उन दोस्तों का है जो के प्रभास के दोस्त है, ये उन लोगों का है जो के प्रभास को फॉलो करते हैं कि जब शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस के ऊपर वनडे नहीं खेल रहा है, वो खेल रहा है वर्ल्ड कप, 1000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो उसके सामने T20 तो बेकार ही है। यानी कि कौन सी बड़ी आपके ऊपर आपत्ति आ पड़ी जो आपने डंकी के सामने सलार को रिलीज किया? और ऐसे में कहीं ना कहीं नॉर्थ के स्क्रीन्स भी कम मिलेंगे सलार को, और दूसरी तरफ शाहरुख खान है भाई साहब, शाहरुख खान जिनका नाम ही किंग खान से माना जाता है, जिनसे बॉलीवुड चलता है, जिन्होंने बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को पार लगाया है, उनके सामने मूवी रिलीज करना यानी के अपना करियर डुबाने के बराबर है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप शाहरुख खान के एक्टिंग स्किल से आप वाकुफ नहीं हो तो जवान देखो, आपको पता लग जाएगा कि शाहरुख खान कितने बड़े सुपरस्टार है, उनकी एक्टिंग में कितना दम है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि सलार क्या डंकी के सामने टिक पाएगी? डंकी फिल्म शाहरुख खान के करियर की तीसरी 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवी साबित होगी? कमेंट में आपको लाजमी बताना है। और आपने जवान को कितनी बार देखा है यह भी लाजमी लिखना, और कितनी बार देखने जा रहे हो यह भी बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि जवान ने 30 दिनों में कितनी कमाई कर ली है। तो भाई साहब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राहुल भाई को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और इसी तरीके से शाहरुख खान और प्रभास अन्ना की फिल्म की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।